साथियों, आज हम बनाना सीखेंगे प्रोटीज की बड़ी। जी हाँ, प्रोटीज गुड डॉट का भी प्रोडक्ट है, प्रोटीज बड़ी, जो कि आरसीएम के माध्यम से मिलता है। साथियों, ये आम सोयाबीन बड़ियों की तरह नहीं है, इसमें है हाई प्रोटीन, हाई डाइट्री फाइबर और कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो सोयाबीन की बड़ियाँ मार्केट में आती हैं, उसमें सिर्फ सोयाबीन ही होता है, लेकिन इसमें सोयाबीन के अतिरिक्त भी और भी चीज़ें, इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं, जैसे कि दालें इत्यादि भी, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिच इन प्रोटीन होता है। तो आज ये सीखते हैं कैसे इसको बनाएं, तो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम, आप देख लेंगे कि हमने पहले से ही तैयारी कर ली है। आप देखेंगे हमने चॉप्ड यहाँ पर प्याज रखा हुआ है, गार्लिक रखा हुआ है, साथ ही साथ आपका अदरक भी रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त हमने इस प्रोटीज की बड़ियों को पहले हमने गर्म पानी में भिगाया था थोड़ी देर के लिए। गर्म पानी में भिगाने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया है, उसके बाद ये काफ़ी सॉफ्ट से हो गए हैं, और फिर अपनी इच्छा अनुसार इसके छोटे छोटे पीस हमने कर लिए हैं। आप इसके बड़े बड़े पीस होते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितना भी इसका साइज करना चाहते हैं वो साइज आप कर सकते हैं, छोटे साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप, मैंने यहाँ पर देखेंगे आप कि मैंने टमाटर भी काटे हुए हैं, और साथ ही साथ इसमें मिर्च मैंने साथ में ही उसमें रख दिए, और गैस तैयार है हमारा। और चलिए स्टार्ट करते हैं ये सामग्री के साथ साथ कैसे हम बनाएंगे। इसमें हम सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम सब कुछ संपूर्ण रूप से इसमें आरसीएम का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये गुड डॉट का आरसीएम प्रोटीज बड़ी है, और प्याज लहसुन तो आता नहीं है आरसीएम में, तो आप इसके लिए मत सोचिएगा कि ये तो आरसीएम का नहीं है। टमाटर भी प्रोटीज की बढ़िया यहाँ पर आरसीएम की हो गई। इसके साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सब्जी मसाला, साथ ही साथ आरसीएम का नमक इस्तेमाल होगा, आरसीएम की हल्दी इस्तेमाल होगी, आरसीएम का धनिया इस्तेमाल होगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ऑयल इस्तेमाल होगा वो भी होगा राइस ब्रैन ऑयल, आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल। तो अब स्टार्ट करते हैं कैसे ये बनेगा। यहाँ पर हमने कढ़ाई में राइस ब्रैन ऑयल डाल दिया है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो प्रोटीज की हमारी गुड डॉट प्रोटीज की बढ़िया हैं इनको ले लेंगे, और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करेंगे। तो पहले हम अपना राइस ब्रैन ऑयल गर्म होने देते हैं। एक्चुअली राइस ब्रैन ऑयल ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आरसीएम में मिलता है इसके लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि हेल्थ बेनिफिट के रूप में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल है, जिसमें टोकोफ्रोल, टोकोट्रिनोल, ओरिजिनोल जैसे महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और साथ ही साथ ये इसका हाई फ्लेम कुकिंग ऑयल रहता है, तो धुआं नहीं देता है, जल्दी जलता नहीं है, तो ये हमारा अच्छा चलता है। और तेलों के मुकाबले आप देखेंगे तो ये कम इस्तेमाल होगा, कम तेल में ही ये काफ़ी अच्छा आपका फ्राई कर देगा और बच भी जाएगा उसके बाद। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर फ़ायदा होंगी। तो यहाँ पर हम, जैसा कि देख रहे हैं आप, हम यहाँ फ्राई करने के लिए यहाँ पर रख दिया है, एक एक करके हम यहाँ पर इसमें अपने हेल्थ गार्ड राइस ब्रैन ऑयल में प्रोटीन की बड़ियों को रखेंगे, और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको हम फ्राई करेंगे, ताकि ये थोड़ा अच्छे से क्रिस्पी से बन जाए। फिर आप देखेंगे कि किस तरह ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, और हमने ये फ्राई करके अलग से रख दिए हैं, बाकी बढ़िया भी हम यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। तो आप इस तरह के हैं, बच्चे चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी होता है, तो काफ़ी अच्छा। या इसको आप पकौड़े के रूप में भी आप चाहें तो इसमें फिर बेसन लगा के, बेसन में भी इसको घोल के पकौड़े के जैसे खा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि बच्चे खाते हैं, हमारे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो ये कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आप इसकी पसंद करते हैं इसकी सब्जी? हाँ। जी, तो बच्चे भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा प्रोटीन और अच्छा फाइबर उनको मिल जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर बच्चे बाहर का जो सामान है उसमें तो पसंद करते हैं, लेकिन इन सामानों को पसंद नहीं करते हैं, और हेल्दी फूड को पसंद कम करते हैं और बाहर के जंक फूड को ज़्यादा करते हैं। तो ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक भी है और फ़ायदेमंद भी है। तो पहले हम इसमें थोड़ा सा जीरा इसमें भुनने के लिए डाल देंगे, जीरे के साथ साथ फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा ये अपना प्याज है जो कि इसमें फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो पहले प्याज को हम डाल देंगे बढ़िया से, देख पाएंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम थोड़ा सा प्याज को भून लेंगे, फिर इसके साथ साथ हम इसमें जो हमारा चॉप्ड लहसुन था या अदरक था वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो हम देखेंगे सभी अच्छे से भुन जाने चाहिए, क्योंकि जब मसाला अच्छे से भुन जाता है तब उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा उभर के आता है। तो ये आप देखेंगे, और फिर इसको अच्छे से हम चलाएँगे ताकि हम
अच्छे से इसको भून सकते हैं। तो आप ये देखिएगा थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रखें, ज़्यादा तेज़ आँच की ना रखें कि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से पक जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपना जो हमने चॉप टमाटर हमने काटा हुआ है उसको भी हम ऐड कर देंगे। अच्छा सा हमारा एक अच्छा सा हुआ जाएगा। तो ये देखेंगे कि चॉप टमाटर है, साथ में हमने उसमें मिर्च साथ में डाल दिए। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, बनाने का अपना अपना तरीका हो सकता है। आप जिस भी तरीके से प्रोटीन की बड़ियों को बनाएंगे आप यकीन मानिए ये होंगी स्वादिष्ट, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। सबसे अच्छी बात है कि आलसीएम का एक उद्देश्य है कि स्वास्थ्य की रक्षा करना, आपके लिए एक ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट को लाना जो आपके स्वास्थ्य का लाभ आपको दे। और 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट के साथ कंपनी काम करती है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों को, सबसे बड़ी बात है हमारे जो पूंजी है वो हमारे बच्चे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को बाहर के फास्ट फूड से बचाए रखें और घर में ही अच्छे प्रोटीन युक्त भोजन उनको कराएं, जिसमें कि प्रोटीज गुड डॉट प्रोटीज एक अहम योगदान दे सकता है। आपका मसाला आप देख रहे हैं कि अभी ये अच्छा सा भुन रहा है, तो इसी में हम अपने जो आरसीएम के मसाले हैं, जैसे कि आरसीएम का नमक है, स्वाद अनुसार आप आरसीएम का नमक इसमें डाल दीजिए। साथ ही साथ आरसीएम की टर्मरिक हल्दी है और ये भी आप इसमें डाल दीजिए। साथ ही साथ आरसीएम का जो हमारा धनिया कोरिएंडर पाउडर आता है वो कोरिएंडर पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। और हमारा यहाँ इसी के साथ साथ हमारा बेहतरीन बेजोड़ स्वाद बढ़ाने वाला प्रोडक्ट आता है आरसीएम सब्जी मसाला। जी हाँ, सब्जी मसाला इतना बेहतरीन है कि 17 मसालों का मिश्रण है, ये स्वाद को इतना एनहांस कर देगा आपका कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो इसका भी हम थोड़ा सा चुटकी सा मसाला इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे। आप देखेंगे कि एक थिक ग्रेवी सी यहाँ पर बन गई है। अच्छे से मसाला आप चेक करिएगा, अच्छा सा भुन जाए। वैसे तो मसाले पकने का ये प्रमाण होता है कि आपका देखेंगे कि मसाले से जो भी आपने बनाया है उससे वो ऑयल अलग हो जाता है, ऊपर आ जाता है थोड़ा सा। तो आप समझ लीजिए जब आपका ऑयल इस तरह ऊपर थोड़ा सा आने लगे तो आपका मसाला अच्छे से भुन गया है, अच्छे से पक गया है। तो बाकी का इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डाल सकते हैं, जो कि हमारी सोया बड़ी है, जो कि प्रोटीन गुड डॉट प्रोटीन बढ़िया है, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी आप, और ग्रेवी की अगर मैं बात करूँ तो ये आप अपने स्वाद अनुसार इसमें पानी की जो मात्रा है अपने अनुसार रख सकते हैं कि आपको ज़्यादा तरल पदार्थ ज़्यादा चाहिए तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं, या थोड़ा सा ग्रेवी इसमें ज़्यादा चाहिए तो उस हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। हर लिहाज से ये बहुत अच्छा ही बनता है। अब मैंने इसमें प्रोटीन जितनी बढ़िया थी वो ऐड कर दी है। अब इसको भी अच्छे से मैं चला लेता हूँ, करती से आप देख पाएंगे कि देखने में बहुत ही शानदार लग रही है। आप देख पाएंगे इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। जिस तरह का कलर आपको ये वीडियो में दिख रहा है, यकीन मानिए टेस्ट तो आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन टेस्ट भी इसका लाजवाब होता है। आप अपने नज़दीकी किसी भी सेंटर से, किसी भी आरसीएम सेंटर से जो कि आपके आसपास होगा, या फिर जिसने भी ये वीडियो आपको फॉरवर्ड की है इसको विधि के साथ, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आखिर ये प्रोटीन की बढ़िया मिलती कहाँ है, कहाँ से हमको प्राप्त होंगी। तो ये किसी भी आरसीएम के सेंटर से आपको मिल सकती है, या फिर जिसने ये वीडियो आपको फॉरवर्ड करी है आप उनसे भी ये मंगवा सकते हैं और वो आपको ये प्रोटीन की बढ़िया ला कर देंगे। और यकीन मानिए आप उसको एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, आपको इसका स्वाद बेहतरीन लगेगा और आप बाहर की प्रोटीन की बढ़िया या सोयाबीन की जो बढ़िया आप खाते थे वो खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आपको इसका लाजवाब स्वाद इतना अच्छा लगेगा। सबसे अच्छी बात है कि मार्केट में मिलने वाली जितने भी सोयाबीन आती हैं उनके फ्लेवर में, इनके टेस्ट में धरती आसमान का अंतर रहता है। और साथ ही साथ प्रोटीन की जो मात्रा इसमें रहती है वो बाहर किसी में भी नहीं रहती। प्रोटीन रहता है, हाई फाइबर रहता है, साथ ही साथ न्यूट्रिशन वैल्यूज में रहती है, कैल्शियम रहता है, जो कि आपके बढ़ते बच्चों के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अच्छे न्यूट्रिशन रहते हैं और सभी को जरूरत है प्रोटीन न्यूट्रिशन की, तो बच्चे के साथ साथ हम बड़ों को और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी आवश्यकता है। तो आप सभी को ये बना के जरूर खिलाइएगा। तो इस चीज़ को आप देखिएगा और मैं साथ ही साथ चाहूँगा कि आप सभी इसका सेवन करें। तो ये लगभग तैयार हो चुका है, आप इसको इसमें भी रख सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा आपको ग्रेवी बढ़ानी है, पानी बढ़ाना है, तो आप उसके हिसाब से पानी भी इसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन मानिए ये बहुत शानदार बनता है। जैसे कि चिल्ली पटेटो कोई बात खाना चाहता है तो चिल्ली पटेटो के रूप में भी आप इसको चिल्ली गुड डॉट प्रोटीन के रूप में इसको बना सकते हैं, बहुत शानदार बनेगा। तो हेल्थ भी और टेस्ट भी दोनों ही आपको एक ही साथ मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और साथ साथ ये भी आशा करता हूँ कि आपको पसंद आने पर वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लोगों को भी इसको भेजिएगा, ताकि आपको एक हेल्थ से बेनिफिट भी मिले और एक अच्छे स्वाद के साथ अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए। धन्यवाद।